ओके लेट्स एक काम करते आई नीड माई वॉल्टियर एनी शर्मा क्यों शर्मा यार यही तो वक्त है मैं इधर ही हूं फिर मैं वापस नहीं आऊंगी तो अब फिर कब करोगे अगर अभी हाथ ऊंचा नहीं किया तो तो वी हैव वन टू कुछ लोग हैं जो अपना हाथ ऊंचा कर रहे हैं आई विल कॉल टू पीपल ऑन स्टेज लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं डिसाइड नहीं करूंगी कि स्टेज पे कौन आ रहा है देखो सर अगर स्टेज पे आपको बुला देना तो उनको लगेगा हमने सेट करके रखा है शो मैं पहले से मिली हुई हूँ आपको मैंने आपको पैसे देकर रखे एक्टिंग करने के लिए ठीक है ऐसा बताना थोड़ी होता ठीक <laughs> है तो मैं नहीं डिसाइड कर रही कि स्टेज पर कौन आने वाला है सो so, दीपक जी आप थे और वहाँ पर किरण जी आप भी थे आ, आप ऑलरेडी आपके साथ मैंने एक एक्ट कर लिया तो मैं वापस तो नहीं करूंगी तो कुछ लोग अपने हाथ ऊँचे करें किरण जी आप उधर बैठे हैं तो आप किसी भी एक व्यक्ति को मेरे लिए चूज कर लीजिए एनी आप खड़े होकर देख सकते हैं बराबर इराना और राजश्री चलो ईराना और राजश्री मेरे साथ यहाँ पे स्टेज पे जुड़े हैं अब, अब इधर तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे क्यू कार्ड्स हैं ठीक है थीके? आगे आ जाओ इराना राजश्री दोनों आगे आ जाओ मैं आपको कुछ सोचने को बोलूंगी लेकिन जैसे अभी आपने इतना बड़ा लेक्चर सुन लिया कि इन्फ्लुएंस करना तो बहुत आसान है ठीक है तो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको इन्फ्लुएंस करा है आप पढ़ लेंगे आप लोग इंग्लिश पढ़ लेते हैं नो प्रॉब्लम करेक्ट सो so, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे क्यू क्यूका हैं आपको इनमें से कोई एक चूज करना है लेकिन आप चूज करो पहले हम कंफर्म करेंगे कि सारे अलग है ठीक है आगे के रोज देख सकते हैं कि अलग है जिसको नहीं पीछे आपको दिखाई दे रहा है तो आप इन पे भरोसा करो बस और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास ठीक है थिंक अबाउट एनी थिंग थिंक अबाउट अ वेब सीरीज थिंक अबाउट एन एक्ट अभी नहीं सोचना इसके बारे में hmm. अभी सिर्फ कंफर्म करना है कि ये अलग है इसके बाद मैं आपको बोलूंगी चूज करने को ठीक है आस्क फॉर अ विश

आप uh, कोई भी कार्ड को टच करिए मैं बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं करने वाली हूँ ठीक है मेरे को आता भी नहीं है हैंड ट्रिक कोई भी कार्ड को टच कर टच कर लीजिए दैट दैट यू करना है खाली ये yeah, exactly एग्जैक्टली आपको नहीं पढ़ना है इस पर कुछ लिखा होगा देखो पीछे भी सब हट जाओ पीछे से कोई पढ़ के नहीं बताएगा सिर्फ आपको पढ़ना है इस पर क्या लिखा है उसे याद रखना है बताना मत मुझे क्या है ठीक है उल्टा है सॉरी hmm. है आपके मन में yes. मैं बंद कर दू देखो चला जाएगा हमेशा के लिए कभी भी नहीं मिलेगा वापस ओके गॉन मेरे को नहीं पता कहां पर है आपके साथ भी कर लेते हैं एनी वन दैट यू वॉन्ट आप मत पढ़ो आप उधर जाओ बंद कर दू ये सारे काज आप वहां रख देंगे ओके okay. तो दो लोग मेरे साथ स्टेज पे जुड़े हैं मेरे पास यहाँ पे राजेश जी है यहाँ पे मेरे पास इरणना नहीं नहीं मैं नाम ही बोलूंगी आपका क्या नाम है ना। इरन्ना। 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 तो मैं सही तो बोल रही हूँ <laughs> तो <laughs> यार तुम लोगों की हंसी छीन रहे हो चलो आम, आप किसी भी चीज के बारे में वो तो बहुत सारे का कुछ भी हो सकता था यू कुड अप एनी वन आपने रैंडमली चूज किया आपने रैंडमली चूज किया एक स्टेप पीछे हो जाएंगे इधर हो जाएंगे नाउन ट्राई एंड फिगर आउट कि आप दोनों अपने अपने मन में क्या सोच रहे हैं, ठीक है um, पर इनके साथ करेंगे उसके बाद फिर ऑडियंस में से भी कुछ लोगों के साथ करने की कोशिश करेंगे किससे शुरू करें किससे शुरू करें लेडीज फर्स्ट ठीक है क्या आसान जवाब मिल गया है सबको राजेश्री जी आप अपने मन में कुछ सोच रहे हो मैं चाहती हूँ आप सामने देखें ठीक है हाथ साइड्स पे छोड़ दें ठीक है, 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 है कुछ भी हो सकता है ये कुछ खाने की चीज़ हो सकती है किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है कोई चाइल्डहुड मेमोरी हो सकती है कुछ भी हो सकता है आपको एक कार्ड मिला आपने चूज करा आप अपने मन में कुछ सोच रहे हो सामने देखिए किसी एक व्यक्ति को मैं देखिए डर जाते हो रैंडमली कहीं पर भी देखिए बहुत खुश हो आप मतलब इट्स अ वेरी हैप्पी थिंग ठीक है प्लस बहुत ज्यादा मूवमेंट है यानी कोई एक शब्द नहीं है ये ये कुछ लाइक कोई एड्रेस है या कोई लंबा मूवी का नाम है या कुछ गाना है ऐसा कुछ लंबा है कोई एक वर्ड का नहीं है करेक्ट करेक्ट ठीक सामने देखो मेरे को डर लगता है पे छोड़ दो हम आते हैं आपके पास थोड़ी देर में <laughs> आप सामने देखो इंस्टेंट वेरी डिरेक्ट वेरी क्लियर एक या दो शब्द है जो भी आप सोच रहे हो करेक्ट करेक्ट बिकॉज यू वेरी क्लियर अबाउट इट ठीक है मूवमेंट ऑन योर फिंगर पर वो नर्वसनेस थी स्टेज की कोई बात नहीं स्टेज नर्वसनेस चलती है आप कुछ बहुत लंबा सोच रहे हो मन में लगातार बोलते रहो ठीक है आप कुछ बहुत डायरेक्ट सोच रहे हो मतलब वन तो एक काम करते हैं सर वहाँ बैठे किरण जी ठीक है ये ये थर्ड रो फर्स्ट सीट पे किरण जी है. ठीक है इमेजिन करो कि आप चिल्लाकर उनको ये बता रहे हो सच में जोर से चिल्लाना नहीं है पर इमेजिन करें कि आप चिल्ला के किरण जी को ये बात बता रहे हो अपने मन में किरण जी आपको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा जोर से चिल्लाना है ठीक है मन में इतना जोर से चिल्लाना है कि समझो कि अगर वो उधर भी बैठे हो तो उनको सुनाई दे जाए ठीक है रिपीट पे अच्छा आप दो शब्द सोच रहे हो ठीक है तो एक काम करो दूसरा शब्द बाद में लेते हैं पहला फर्स्ट फर्स्ट वर्ड लेते हैं एक ही शब्द हाथ साइड पे छोड़ दो हाथ साइड पे छोड़ दो पहला शब्द अपने मन में ऑन रिपीट ये कोई व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो आप यस ठीक है कोई व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो ठीक है उस इमेजिन करो व्यक्ति आपके सामने यहाँ पे खड़े हैं और आप बोलते हो हेलो और उनका नाम पर बोलना मत हेलो बोल दिया मन में।, मन में बोल दिया करेक्ट करेक्ट परफेक्ट सामने देखना सामने है हाँ, Yours is very interesting. ओके okay. तो देखना नहीं है कि मैंने क्या लिखा है प्रॉमिस करो नहीं देखोगे ठीक है इसको अपने पास ऐसे पकड़ के रखोगे देखोगे नहीं प्रॉमिस थैंक यू वेलकम देखना मत आप अपने मन में वेरी सरप्राइजिंगली ये कोई चाइल्डहुड मेमोरी या कोई एड्रेस या ऐसा कुछ नहीं है एक मतलब मुझे एक धुन मिली तो आप अपने मन में कोई गाना गा रहे हो गया right. <laughs> okay. अब हम कोशिश करेंगे गाना जानने की भी ओके okay? तो इमेजिन करो कि आप कोई सिंगिंग शो में हो ठीक है जैसे इंडियन आइडल या कोई भी रियलिटी शो है सिंगिंग का और मैं आपके चे, आपके चेहरे के आगे माइक रखने वाली हूँ प्रिटेंड करो कि आप गाने वाले हो पर गाना मत ठीक है वन टू थ्री गाना मत नहीं कुछ नहीं ठीक है मन में गाएंगे ये गाना सच पॉपुलर सॉन्ग धुन गाओ अपने मन में अरे यार वो कौन सा गाना है देखो जब कोई बात बिगड़ जाए नहीं है वही है, वही है? जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ थैंक यू थैंक यू सो मच और मेरे तीन गिनने पर आप जोर से बोलेंगे आप किसके बारे में सोच रहे हो और इसको टर्न कर देंगे ठीक है वन टू थ्री नरेंद्र मोदी दोनों के लिए यहां पर रीजन चढ़ थैंक यू सो मच थैंक यू